Hi guys, welcome back on Learning Together. Welcome back friends. आज के इस वीडियो में हम देखते हैं भारतीय संविधान में लिए गए विदेशी स्रोत यानी बोरो फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पार्ट में देखेंगे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपातकाल का सिद्धांत किस कंट्री से लिया गया है या फिर संविधान संशोधन का सिद्धांत किस कंट्री से लिया गया है। ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों और लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, स्टूडेंट लोग। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैं इसी वीडियो में आपको ये सारे कंट्रीज़ को याद भी करवा दूंगा फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग कुल 10 कंट्री को देखेंगे और कुल 10 कंट्रियों से लिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के स्रोत को देखेंगे और उसे याद भी कर लेंगे। तो इसी वीडियो में आपको मैं सब कुछ याद भी करा दूंगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यूनाइटेड किंगडम को यानी कि ब्रिटेन को। पहले इसका एक हम फिगर आपको एक फ्लैग बनाते हैं ताकि आपको याद रहे। इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, इस फ्लैग में हम देखते हैं यूके को। इसमें लिया गया है फ्रेंड्स पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी कि हमारा पार्लियामेंट का जो भी गवर्नमेंट होगा, एक पार्लियामेंट होगा, ये लिया गया है यूके से। और कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव स्पीकर एंड देयर रोल्स एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हमारा आखिरी। फ्रेंड्स ये जो चीज़ें हैं, ये जो पांच स्टेप्स हैं, पांच पॉइंट है, ये लिए गए हैं यूके से। आगे देखते हैं अगला कंट्रीज हमारा है यूनाइटेड स्टेट। ये रहा उसका फ्लैग यूएस का यानी कि अमेरिका का। फ्रेंड्स अमेरिका से भी लिए गए हैं चार पांच पॉइंट्स हमारे संविधान में, जैसे कि बिल्स ऑफ राइट्स, फिर फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, फिर इलेक्टोरल कॉलेज, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, साथ में जुडिशियल रिव्यू, फिर प्रेसिडेंट एज कमांडर इन चीफ ऑफ द एयर आर्म फोर्स इक्वल एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। हमारा अगला कंट्रीज है आयरलैंड। फ्रेंड्स आयरलैंड से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जो लिए गए हैं फ्रेंड्स, ये लिए गए हैं हमारे आयरलैंड के सिद्धांत से। फ्रेंड्स मैंने इसका एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसे आप जरूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें टोटल जो जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं सब मैंने डिस्कस किया है और उसी वीडियो में आपको रिमेम्बर भी सारा हो जाएगा दोस्तों। तो उसे आप जरूर देखना हमारे लिंक पे जाके, हमारे चैनल पे जाके। और देखते हैं फ्रेंड्स के बाद अगला हमारा कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ये रहा ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग। और फ्रेंड्स इसमें हम देखेंगे पॉइंट्स हमारे पास चार हैं जो लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला है फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिटवीन स्टेट। फ्रेंड्स हमेशा अलग हर स्टेट एक आज़ाद होगा और उसका जो हर स्टेट जो कंट्री का होगा उसका ट्रेड के तरीके से आज़ाद होगा। और दूसरा है नेशनल लेजिस्लेटिव पावर टू इम्प्लीमेंट ट्रेड रूल्स। फिर है हमारा अगला कंकरेंट लिस्ट प्रीएम्बल टर्मिनोलॉजी। ये चीज़ें जो है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके बाद हमारा अगला कंट्री है फ्रांस। ये रहा फ्रांस का फ्लैग। यहाँ से लिया गया है आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इग्लाइट। फ्रेंड्स ये लिया गया है फ्रांस से। फ्रेंड्स मैं हिंदी में भी आपको समझाऊंगा, ये सारी चीज़ हिंदी में लिख के मैं उसे आपको याद भी करवाऊंगा। फ्रेंड्स हमारा अगला कंट्रीज है कनाडा। ये रहा कनाडा का फ्लैग। इसमें हम देखेंगे इसके अंदर भी चार पांच पॉइंट्स हैं जो लिए गए हमारे कंट्री में, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य और केंद्र के बीच का जो बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिया गया है कनाडा से। क्वेश्चन आते हैं ऐसे हमारे पास हमेशा। अगला है रेसिडुअल पावर रिटेन बाय द
सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद है हमारा अगला कंट्री सोवियत यूनियन, जिसे आप रसिया भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, रसिया। यहां से ली गई है फ्रेंड्स फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A, यानी कि हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, वो लिए गए हैं रसिया से। फ्रेंड्स कई लोग कन्फ्यूज होते हैं मौलिक कर्तव्य में और नीति निर्देशक तत्व में और मूल अधिकार में, तो ये तीनों तीन चीज अलग अलग हैं, ठीक है दोस्तों। मैंडेटरी प्लानिंग कमीशन टू ओवरसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी लिया गया है सोवियत यूनियन यानी कि रसिया से। और भी हमारे पास कंट्रीज हैं, जैसे में अगला कंट्री हमारा हो गया जर्मनी। जर्मनी को जर्मनी से लिया गया फ्रेंड्स इमरजेंसी, इमरजेंसी प्रोविजन जो हमारे संविधान में लिए गए हैं अंडर आर्टिकल 356, ये लिया गया है जर्मनी से फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा अगला कंट्रीज होगा साउथ अफ्रीका। आइए देखते हैं उसका फ्लैग, ये रहा हमारा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से लिया गया है फ्रेंड्स एमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अमेंडमेंट जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा संविधान का जो संशोधन होता है फ्रेंड्स, वो ये लिया गया हमारा साउथ अफ्रीका से। सवाल आते हैं कि भारतीय भारत का संविधान संशोधन जो लिखा उल्लेख किया गया हमारे संविधान में, ये किस कंट्री से लिया गया, तो ये लिया गया साउथ अफ्रीका से। हमारा अगला कंट्रीज होगा फ्रेंड्स और आखिरी वो होगा जापान। आइए देखते हैं जापान को, ये रहा जापान का फ्लैग, यहाँ से लिया गया फ्रेंड्स ड्यू प्रोसेस, ठीक है फ्रेंड्स। ड्यू प्रोसेस जो हमारा लिया गया है फ्रेंड्स, ये लिया गया है जापान से। आइए देखते हैं इसे और इसे राइट करते हैं। मैं इसे आपको इसी वीडियो में रिमेम्बर भी करवाऊंगा फ्रेंड्स, तो इसे आप देखते रहिए। इसके बाद हमारा ये हो गया ड्यू प्रोसेस, यानी कि टोटल ये 10 कंट्री हो गए हमारे। आइए इन सारी कंट्रीज, यानी कि ये जो 10 कंट्रीज है, इन 10 कंट्रीज से लिया गया हमारे संविधान में सारे चीज़ें, तो इसे हम एक बार हिंदी में देखते हैं, उसे याद करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हमने देखा था फ्रेंड्स, हमारा पहला कंट्री था ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरा, तीसरा आयरलैंड, चौथा ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से हमने 10 कंट्रीज देखे थे, इसे हम हिंदी में भी देखेंगे फ्रेंड्स और इसे याद भी करेंगे। जैसे ब्रिटेन से लिया गया था संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये लिया गया था ब्रिटेन से। दोस्तों मैं एक छोटी सा स्टोरी आपको बताता हूँ, उस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे इसे, तो ये सारी कंट्रीज आपको बस यूँ ही याद आ जाएगी फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं एक छोटी सा स्टोरी। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो विदेश गए हुए थे, तो कई देश के लोग वहाँ पर बैठकर आपस में बात कर रहे थे। ये सिर्फ एक स्टोरी है फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान से सुने, आपकी आपको ये सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगे फ्रेंड्स। ट्रिक है एक थोड़ी सी बस, और कुछ नहीं। तो सारे कंट्री के लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, तो भारत की तरफ से गए भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। तो बातें क्या हो रही थी दोस्तों, तो मैं बताता हूँ, बातें ये हो रही थी ऐसे ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के जो लोग थे वो कह रहे थे पूरे देश पे मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे, यानी संसद प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता, ये किसकी हो गई, ब्रिटेन की हो गई। दूसरा अमेरिका बोला नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है, यानी कि न्यायिक, स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा ये मौलिक अधिकार है, ये लिया गया है कहाँ से, संयुक्त अमेरिका से, है ना। संविधान पर सर्वोच्चता, न्यायपालिका, महाभियोग, है ना, वित्तीय आपात, ये सारी चीज़ें ली गई संयुक्त अमेरिका से। तीसरा बोला आयरलैंड, आयरलैंड क्या बोलता है दोस्तों, आयरलैंड कहता है भाई अरे यार तुम लोग को नीति निर्देश तो मेरे को कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा, यानी कि नीति निर्देशक का सिद्धांत जो है वो लिया गया आयरलैंड से। इसके साथ भी और भी चीज़ें हैं जिसे आप ध्यान से देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वाले बोल रहे थे, क्या बोला उन्होंने, उन्होंने कहा मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा सूची पर नंबर 1 रहा हूँ, यानी कि समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची से, यानी कि समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से आया गया है, तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। अगला देखते हैं दोस्तों रूस, रसिया, रसिया क्या बोलता है फ्रेंड्स, भारत मेरा दोस्त है और उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है, यानी कि
जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं, हमारे मूल कर्तव्य हैं, कहाँ से लिए गए हैं? रसिया से लिए गए हैं, है ना फ्रेंड्स? फिर कनाडा वाले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुम लोग को जो करना हो करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूँ, मैं तो शक्तियों का बंटवारा करके अपनी सुरक्षा कर लूंगा। यानी कि राज्यों में शक्तियों का विभाजन, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी और कुछ शक्तियां राज्य के पास होगी। ये जो विभाजन किया जाता है फ्रेंड्स, ये जो हमारे संविधान में लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है दोस्तों। इसका तो फ्रांस आया, फ्रांस ने क्या बोला दोस्तों? फ्रांस ने कहा कि आइडल्स ऑफ लिबर्टी, यानी आजादी के विचार, ये कहाँ से आएंगे? ये आएंगे फ्रांस से। यानी कि मैं, फ्रांस बोला, मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूँ, ये सब तो तुम सब जानते ही। यानी कि गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है फ्रांस से। फिर आया जर्मनी, उसने बोला, तुम लोग हमें विश्व युद्ध में हराए हो, इसलिए पहले मैं आपातकाल की घोषणा करूंगा। यानी कि आपातकाल, यानी कि इमरजेंसी। इमरजेंसी कहाँ से ली गई फ्रेंड्स? तो ये ली गई है जर्मनी से। ये रही जर्मनी आपात। इसके बाद साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका क्या बोला? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, है ना? तो इसे हम कैसे याद करेंगे फ्रेंड? तो इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका बोलता है, पर मैं इतना अच्छा खेलने के बाद भी आज तक सेमीफाइनल तक पहुंच ही नहीं पाया, शायद हमें अपने खेल में कुछ संशोधन की जरूरत है। यानी कि संविधान संशोधन कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से। तो इस तरीके से सबसे ध्यान से याद कर सकते हैं। आखिरी हमारा जापान, जापान क्या बोलता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कैसे? तो फ्रेंड्स कैसे क्या, इसके लिए भी आप कुछ सोच लो, आपको ये भी याद में आ जाएगा कि जापान से क्या लिया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। तो दोस्तों हमने देखा कि ये सारी चीजें जो हैं वो अलग अलग कंट्री से ली गई, लास्ट में इंडिया की बारी आई। तो भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला, सभी देशों को सुनने के बाद आराम से कहा, इंडियन कुछ ऐसा करते हैं कि दुनिया याद रखती है। यानी कि ये लो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक सिद्धांत, हमारे भारत का संविधान। तो आज भी हमारा भारत का जो संविधान है वो देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान है फ्रेंड्स, आपको पता ही है। तो इस तरीके से हमने देखा फ्रेंड्स, और पूरे जो 10 कंट्रीज हैं उनसे हमने जो जो लिए हमारे संविधान में, उन सबको मैंने एक छोटी सी ट्रिक से, एक छोटी सा स्टोरी से आपको समझाया फ्रेंड्स। आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों हमारे इस चैनल को, ताकि आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहे। और इसे फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, चाहे सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सअप, सब पे इसे जरूर शेयर करें दोस्तों, ताकि और लोगों के पास भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो जाए और वो लोग भी इसका पूरी तरह से फायदा उठा पाए फ्रेंड्स। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो रही हो फ्रेंड्स, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा फ्रेंड्स इसे लाइक जरूर करना दोस्तों। आपको ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।